सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के समय बात करने वाले हैं, जब आप अपने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आता है यहाँ पे, योर यूपीआई आईडी, इंटर योर यूपीआई आईडी। तो इसका मतलब क्या है, आपके फ़ोन में इस तरीके का ऑप्शन क्या आता है, आपको यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, आपका पे वेरीफाई होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल में बताने वाले हैं इसका मतलब क्या है। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस आप अपने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो यहां पे इस तरीके का ऑप्शन आता है, मतलब यूपीआई आईडी का। तो गाइस आप गूगल पे, फोनपे, पेटीएम यूज करते हैं, वहां पर आप अपना यूपीआई आईडी बनाते हैं। तो आप पेमेंट जो करेंगे अपने गूगल पे, फोनपे, पेटीएम के थ्रू करेंगे तो आपको अपने गूगल पे, फोनपे, पेटीएम का यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा। आपको तीनों को यूपीआई आईडी नहीं डालना पड़ेगा, आपको केवल एक का डालना पड़ेगा। चाहे आप पेटीएम का यूपीआई आईडी डालें, चाहे आप गूगल पे का यूपीआई आईडी डालें, चाहे आप फोनपे का यूपीआई आईडी डालें। तो आप जैसे अपने फोनपे का यहाँ पे यूपीआई आईडी आप डालेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए हम पे क्या करेंगे, अपने फोनपे का हमें यूपीआई आईडी यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में अब आपको अपने फोनपे या पेटीएम या अपने गूगल पे को ओपन कर लेना है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर अपने फोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, अपने फोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, ओपन कर दिए हैं। इस तरीके से मेरा फोन पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोफाइल पे टाइप करना है। प्रोफाइल पे टाइप करने के बाद में अब आपका प्रोफाइल इस तरीके से यहाँ से ओपन होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, आपका प्रोफाइल यहाँ से पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आपका फोन पे प्रोफाइल इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको स्वाइप करते हुए नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूपीआई सेटिंग्स का। तो आपको यूपीआई सेटिंग्स पर क्लिक करना है, आपको बैक आना। बैक आने के बाद में अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा QR कोड्स का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे UPI IDs का। तो आपको सिंपली इस कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पे UPI ID जो है तो कॉपी हो चुका है। अब आपको ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद में अब आपको अपनी फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है यहाँ पे, जहाँ पे योर UPI ID और यहाँ पे इंटर योर UPI ID का ऑप्शन हो रहा है। सिंपली आप जो UPI ID कॉपी किए हैं आप उस UPI ID को यहाँ पे इंटर कर दें। तो हम उस UPI ID को यहाँ पे इंटर कर दिए। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पे UPI ID यहाँ से वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे मेरा जो UPI ID यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पे हो रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा यहाँ पे UPI ID वेरीफाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पे मेरा नाम दिखाएगा, मेरा बैंकिंग नेम दिखाएगा, मेरे बैंक अकाउंट में जो नाम है यहाँ पे नाम दिखाया गया, यहाँ पे टिक हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टिक हो चुका है, यहाँ पे लिख रहा है अच्छे लाल, यहाँ पे लिख रहा है मेरा जो बैंक में नाम है वहाँ पे नाम लिख रहा है, आधार कार्ड पे जो नाम है नाम लिख रहा है। यहाँ पे मेरा UPI ID वेरीफाई हो चुका है। अब आपको सिंपली पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप जैसे पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका पेमेंट वाला मेथड ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ से आपको बैक नहीं जाना है। आपके फ़ोन पे में एक नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके फ़ोन पे में नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया। तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइमर दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस हम अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन में यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट फ्लिप कार्ड इंटरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे 500-249 रुपये, यहाँ पे का ऑप्शन आएगा, अब डिसलाइन का ऑप्शन आएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन ओपन होकर के आ चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, अपना UPI पिन जैसे आप वहाँ से डाल देंगे, आपको वहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप अपने इस योर UPI ID या इंटर योर UPI ID को आप फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप इसको कैसे यूज कर पाएंगे। सो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।